हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। एक दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता है उसी एक दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। मेरा फाइनल ईयर का स्टूडेंट, मैं एमबीए जब सॉरी मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा क्लास था जब मैं फाइनल ईयर में था 98 के अंदर, तो उसमें 8-9 छुट्टी थी साला। बच्चे खुश थे, मैंने कहा बर्बाद हो गए। उसने बोला 9 छुट्टी अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने कहा कोई पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि 9 दिन जब मुझसे किसी ने बोला कब, तो हमने बोला अभी तो दिन है। मुझे आज भी याद है कि आखिरी दिन में कोई किताब को टच नहीं किया, लास्ट दिन तक तो किताब ही बाय नहीं करी, आखिरी दिन किताब खरीद के लाया मैं। मुझे आज भी याद है मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा एग्जाम था नेक्स्ट अगले दिन का, और मैं उस दिन किताब लेके आया कि अब तो एक ही दिन रह गया। हम लोग दोस्त बना के चौकड़ी बना के पढ़ते थे, आप लोगों को याद होगा जब एक घर किसी एक लौंडे के घर रहते थे सब, याद है आपको, टट्टू ना पढ़ते थे वहां पे, पढ़ाई के अलावा सारे काम होते थे वहां पे। डिटेल में समझाने का मत बोलना मेरे को। सो वो बुक बाय करके आए हम, तो 4 दोस्तों की हमारी चौकड़ी थी, नाम नहीं बताना चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है, कल यूट्यूब पे जाएगा तो पीटेंगे मेरे को पकड़ के कि घर की बातें बाहर बताता है। तो मुझे याद है आज भी, वो सब बैठे पढ़ने को और मैंने किताब उठाई तो मेरे को तो उबासी आ गई, तो मैंने बोला भैया मैं तो सो रहा हूं। उसने बोला नालायक कल तो एग्जाम है। तो मैंने बोला तुम कब तक पढ़ोगे, तो हमने बोला, उसने बोला हम 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर हम सोएंगे, फिर 5 बजे उठेंगे। तो मैंने कहा जब तुम सोने लगा तब जगा देना मुझको, तुम 12 बजे जब सोने लगो तो अपन को जगा देना, जब तुम सोओगे फिर हम रात भर में कर देंगे कांड। तो उसने बोला ठीक, अपन सो गए चद्दर उद्दर लेके। अब वो 12 बजे हाथ लगाए सोनू उठ, मैं भी उठा, मैंने कहा हाँ उठ पढ़, कल तेरा एग्जाम है। मैंने कहा तुम सोने लगे हो, कह रहा हाँ। मैंने कहा उठोगे कब, बोला 5 बजे। तो मैंने कहा हम भी साथ उठेंगे, 5 बजे उठेंगे और पढ़ेंगे फिर। तो बोले हराम खोर मरेगा, तुमने कहा अब सोने दे, अब टेंशन मत दे। सो गए, 5 बजे का अलार्म लगता था, टू 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 आवाज आती थी, इतनी गंदी आवाज थी आपको याद है, साला दिल करता था बम लगा दूं उसके अंदर में, उस आवाज ने दिलो दिमाग पे ऐसा आतंक मचा रखा था। अब 5 बजे वो अलार्म बजे, अब ये सब उठे, मेरे को उठाए सोनू तू उठ, मैं भी उठा, मैंने कहा हाँ, कह रहा पढ़ ले, हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने किताब उठाई 5 बजे, मैंने कहा जब पूरे साल कुछ नहीं हुआ, अगले 2 घंटे में क्या उखाड़ लेंगे, सो जा, अपन फिर सो गए। सो तो वैन जब वो दिन ज्यादा होते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, और उस कंफर्टेबल सिचुएशन में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है।